तेज चला रहे हैं आप गाड़ी, थोड़ा धीरे चलाइए ना। 180 का स्पीड लिमिट है। लेकिन आपकी तो भी लिमिट नहीं है ना, पी रखी है आपने, इसलिए बोल रही हूँ स्लो चलाइए। मैंने पी रखी है, पीने दोगी तो ही पीऊंगा ना, पीना शुरू ही किया था कि आगे अगर तुम पियोगे तो मैं घर छोड़कर जाऊँ। तुम क्यों गई और तुम्हारे पीछे पीछे दादी आ गई अंदर? मुझे तुझको पैसे नहीं देने चाहिए थे, पैसे देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो आप दादी के कहने पे मुझे लेने आए? अरे दादी को पता भी नहीं कि तुम घर छोड़कर गई हो, दादी को यही लग रहा था कि तुम ना आ रही। झूठ बोला आपने। हाँ तो मुझे कौन सा जन्नत जाना है? दारू पी के पाप करो, झूठ बोल के पाप कर लूंगा, कौन सा मुझे हिसाब रखना है? पता है दादी के निकलते ही मैंने धीरे चलाने के लिए बोला था, रोकने के लिए थोड़ी बोला। मैं तुम्हारा ड्राइवर कोई चिन्ह नहीं जो तुम्हारी हर बात मानूंगा, और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आऊँ, किसी के कहने पे नहीं आऊँ। और तीसरी सबसे नॉट इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। ऐसे कैसे रुक गई? एक सेकेंड, मैं गाड़ी से पूछता हूँ। तो गाड़ी मैडम, मालिक मैडम पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे रुक गए? आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? शुरू किसने किया था? ये ऐसे कैसे रुक गई, वैसे कैसे रुक गई, ज्योतिष क्या मुझे पता चलेगा कि ऐसे कैसे रुक? बस ये मत बोलिएगा कि गाड़ी खराब हो गई, अभी अभी ठीक कराई मैंने। बोला मैं? नहीं। चेक करने दूंगी। सब ठीक ही तो लग रहा है? ठीक लग रहा है तो चल क्यों नहीं रही? तुम भी तो ठीक लगती हो ना, लेकिन हमेशा ठीक रहती हो। चेक करने दो मुझे। ओ नो, क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। और क्या हो गया? क्या हो गया? गाड़ी में डीजल नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? ये गाड़ी जो है ना, तो? ये डीजल पर चलती है, और महंगी गाड़ी है तो डीजल पीती है, और पीने पर चीजें खत्म हो जाती है। मैंने एक्सप्लेन करने को नहीं कहा था। I have to. मैं बोल रही थी चेक क्यों नहीं किया कि गाड़ी में डीजल नहीं है? मैं डीजल चेक करूंगा। और नहीं तो क्या माली चेक करेगा? आपने ही बोला, आप मेरे ड्राइवर हैं, ड्राइवर हैं तो चेक करना चाहिए ना गाड़ी में डीजल है या नहीं। अब इतनी रात को घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हें ढूंढने निकलूंगा या बैठकर गाड़ी का डीजल चेक करूंगा मैं? तो आप पीते रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? आप पीते रहेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा ना, इतनी शराब पीते डीजल खत्म हो गया, शराब नहीं। हाँ मेरी गलती है ना, मुझे घर से निकलते वक्त डीजल चेक करना चाहिए था। और तुम घर से निकलते, तुमने टाइम देखा? बाहर निकल के मौसम देखा, लोग देखे, अंधेरा देखा, माहौल देखा तुमने? बोली थी बैठे बैठे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर पे यही सब बोली थी ना, लो हो गया सब कुछ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी रात गए, लड़की बाहर जा रही है, खतरा तो हो ही सकता है ना। लेकिन आप शराब पीना नहीं बंद करेंगे, आप जब तक पीना नहीं बंद करेंगे मैं रुकूंगी नहीं। मैं पीता रहूंगा, चाहे मुझे ये बॉडीगार्ड की डबल ड्यूटी क्यों ना करना पड़े। और ये दोबारा ये सब मत करना, सुपरमैन नहीं हूँ जो हर जगह पहुंचाऊंगा मैं, समझी तुम? आज जीत गई तुम, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी जिद जो है ना, तुम्हें पता नहीं कहां से कहां ले जाएगी। तुम्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन किसी के लिए तुम मायने रखती हो। बताइए ना, किसके लिए? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, किसको फर्क पड़ेगा अगर मुझे कुछ हो गया? मुझे। तो मुझे लगता है सुषमा आंटी को बहुत फर्क पड़ेगा। वो एक गाड़ी आ रही है, दो बाइक आ रहे हैं। गाड़ी है ना? आपके पास डीजल होगा? डीजल वो हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। अरे थैंक यू। मुझे पता है मैं आपके लिए मायने रखती हूँ, तभी तो आप मुझे ढूंढने आए। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा था कि आप नहीं आएंगे, पर मेरा दिल जानता था कि आप जरूर आएंगे। शुक्रिया, आइए मैं आपको गाड़ी तक बिठा देता हूँ। अरे थैंक यू सर, बहुत बड़ा दिल आपके साहब का, शुक्रिया। रुको भाई, क्या हुआ? कुछ बताया नहीं तुमने मुझे, व्हाट्स द मैटर?
कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बहन हूँ। ओह कम ऑन प्राची, डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक। और मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया? मैं कुछ नहीं हुआ है। बात छुपाने की नहीं है, तुम इतना अजीब बिहेव कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा सीधा चली आई, इसीलिए पूछ रही हूँ क्या हुआ है। मैं अजीब बिहेव कर रही थी? अरे वो सिद्धार्थ अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ वो एक्चुअली उसी से बात करने के लिए मैं अंदर गई। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए बात कैसे करनी है अपने पति से, कैसे मनाना है, ये मुझे बताना पड़ेगा। और देखो मुझे एक्चुअली नहीं पता है बात कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन एक बात मान लो मेरी, जब कोई अपना होता है जो हमसे प्यार करता है, जिसे हम प्यार करते हैं, उसकी कोई भी बात कभी दिल पे नहीं लेते। डोंट मेक इट अ बिग डील। और जितना मैं सिद्धार्थ को जानती हूँ ना, वो बहुत अच्छा है। एक पानी के ग्लास के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा, वो झगड़ा तो करता ही नहीं है कभी। और चलो इनफैक्ट कुछ हो भी गया होगा तुम लोगों के बीच, तो उसे खत्म कर दो ना, जस्ट फिनिश इट ऑफ और नए सिरे से शुरू करो। इज इट दैट डिफिकल्ट? और ट्रस्ट मी, सारे पति ना एक जैसे होते, पत्नी को तंग करना, परेशान करना, फरमाइशें करना, दे जस्ट एंजॉय। रणबीर वैसा नहीं है, ही सॉर्टेड। रणबीर और सॉर्टेड बिल्कुल नहीं, सिर्फ बड़ा हुआ है उम्र से, यहाँ से बिल्कुल बच्चा ही है। जिद्दी तो इतना है कि क्या बताओ, मुझे बहुत परेशान करता है। उसे कैसे हैंडल करती हूँ ना, मुझे ही पता है। उसके लेटेस्ट जिद के बारे में बताऊंगी ना, बताऊंगी क्या, बता ही देती हूँ, मे भी तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको। मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगी? बिल्कुल कर सकती हो। सुनो, उसकी लेटेस्ट जिद ये है कि सबके सामने मुझे उसे आई लव यू कहना है। मम्मी भी होनी चाहिए वहां पे, सब होनी चाहिए। देखा, शॉक्ड हो गई ना तुम? मेरा भी यही रिएक्शन था। कम ऑन रिया, कैसा लगेगा ना, मतलब इतनी एम्बैरस हो जाऊंगी मैं। तुम ना कोई ऐसा आइडिया दो जिससे मैं उसकी शर्त पूरी भी कर सकूं और एम्बैरस भी ना हूं सबके सामने। हाँ तो उससे बोलो कि ऐसी फरमाइशें ना रखा करे। बोलने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जिद्दी है ना, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। मुझे ना उसे आई लव यू कहना भी है और सबके सामने एम्बैरस भी नहीं होना है। ठीक है, मैं कुछ सोच। मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू सो मच। चलो खाना खाए। हाँ चलो। अभी अभी कहाँ गया? प्रज्ञा भी नहीं है, दोनों नहीं है, मतलब कहाँ गए होंगे दोनों? तनु भाई कहाँ है? वही तो मैं सोच रही हूँ आलिया, अभी को यहाँ होना चाहिए था पर नहीं है। वेट, आई विल कॉल हिम, देखते हैं कि कहाँ होंगे। आई एम श्योर इधर आसपास ही होंगे। आलिया कहीं वो चौल के पास तो नहीं चला गया? लेकिन अगर उसे शराब यहाँ पे मिल रही है तो अपने दोस्तों से मिलने क्यों जाएगा? शायद बाहर के आसपास होगा, मैं देख के आती हूँ। ये उसकी शराब की बोतल, पर शराब की बोतल यहाँ पर है तो भी आधी, मतलब उसने शराब पी नहीं है तो वो कहाँ गया? समथिंग इज नॉट राइट। भाई के पास दारू की बोतल हो और वो शराब खत्म नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। शराब की बोतल यहाँ पर है, अभी यहाँ पर नहीं है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो जिसने उसकी शराब की बोतल छुड़वा दी? पहले पता लगाओ कि भाई कहाँ गए। अभी प्रज्ञा को लेने के लिए बाहर गया हुआ था। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई प्रज्ञा के पीछे जा ही नहीं सकते। कौनसी की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों गाड़ी में आ रहे थे, अभी वो गाड़ी से उतरे और अभी गाड़ी पार्क करने के लिए गया। मैं सच्ची कह रही हूँ। इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं सब? जाहिर है तुम्हारा हाल चाल पूछने तो आई नहीं होंगे, भाई को देखने आए थे कि वो कहाँ है। भाई को देख रहे थे, टाइम ही देखा। ये मेरा कमरा है, तुम्हारी चौल की गली नहीं है। मुंह उठाया और चल दिए, जाओ यहाँ से। तमीज से प्रज्ञा, हम भाई की फैमिली है, कोई चौल वाले नहीं है जो तुम हमें ऐसे ट्रीट करोगी। राइट, तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती जैसे हम तुम्हारे रूम में चोरी करने आए। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी तनु, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि तुम्हारी चोरी की आदत के बारे में मुझे पता है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि कहीं तुम यहाँ चोरी तो नहीं करने आई। भूल गई, मेरा ही पर्स चुरा कर तुम जेल गई थी, भूल गई क्या? आलिया अगर तुम्हें अभी से मिलना है तो तुम मिलो, मैं जा रही हूँ। भूल गई, मुझे तो नींद आ रही थी, मैं भी जा रही हूँ।
तुम्हें कुछ याद नहीं आया या मैं याद दिलाऊं? वैसे बात क्या करनी थी तुम्हें अपने भाई से? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जो भी बताना होगा मैं भाई से कह दूंगी। बात तो अभी करनी पड़ेगी, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक इन सबको ये बात मैं बता दूं।